बालाजी साइंस स्टडी सेंटर, बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको 5 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था, अब आपको मैं बताने वाला हूँ 6ठा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और वो 6ठा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है बेटा? स्केलर मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो प्रेजेंट मैट्रिक्स है वो बेटा हमारा क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। चलो इसको एग्जांपल से पहले क्लियर करता हूँ। मैंने नाम तो पहले लिख दिया तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये स्केलर मैट्रिक्स है, बट आपको डिफाइन करना है इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। 5000005, ठीक है बेटा। और अगर फिर से अगर देखा जाए, दूसरा मैट्रिक्स में देता हूँ 2002, एक तीसरा मैट्रिक्स में आपको दे दे रहा हूँ 30003। अब आप मेरे को बताओ कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? आपका पहला आंसर सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों सर स्क्वायर मैट्रिक्स? तो क्योंकि इसका ऑर्डर 3x3 है। सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपका जवाब बिल्कुल है, ये 2x2 है। सर ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही है, ये भी 3x3 है। फिर एक बच्चा और बोलेगा इसमें से, सर ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सब जीरो है। बिल्कुल सही जवाब। ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब जीरो है। बिल्कुल सही जवाब। ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है और क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सब जीरो है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। फिर उसमें से एक बच्चा बोलेगा कि सर आप मेरे को ये बताइए कि डायगोनल मैट्रिक्स है तो फिर आप इसको अलग से टाइप क्यों कैटेगराइज किए? तो आपको खुद नजर आ जाएगा कि ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि जो भी डायगोनल मैट्रिक्स है उस सारे डायगोनल मैट्रिक्स का कोई जरूरी नहीं है कि उसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो, लेकिन इस मैट्रिक्स में देखिए तीनों के तीनों मैट्रिक्स में ये तीनों एलिमेंट भी सेम है, यानी कि ये विकर्ण अवयव भी आपस में क्या है? बराबर है। यानी वैसा विकर्ण अवयव जिसके सभी विकर्ण अवयव आपस में बराबर होंगे वैसे मैट्रिक्स को सर हम क्या बोलेंगे? अदिश अवयव बोलेंगे। ठीक है बेटा, अदिश अवयव किसे बोलेंगे? तो सबसे पहले उसको होना होगा विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव होने के बाद क्या होना होगा? उसके सारे विकर्ण अवयव को आपस में क्या होना होगा? बराबर होना होगा। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करेंगे? यानी ए आई जे equals to k for all values of I and equals to j and aij equals to 0 for all values of I is not equal to j। ठीक है, यानी ए आई जे का मान एक कांस्टेंट होना चाहिए, वो भी सभी मानों के लिए, जब आई का मान बेटा किसके बराबर होगा? जे के बराबर होगा। यानी ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। आप देखिए सर, अगर ये तीनों का दोनों का मान बराबर है ये तीनों एलिमेंट के लिए, तो उसका देखिए वैल्यू बराबर है, जो कि ये पार्ट कहता है आप का, और कहता है कि जो भी आपके जीरो वाले वैल्यूज हैं वो किसके लिए है? जब आई का मान जे के बराबर नहीं है। तो बताओ बेटा किसे बोलेंगे अदिश अवयव? तो वैसे अवयव जिसके क्या होंगे कि विकर्ण अवयव आपस में बराबर होंगे, और वैसे अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन सबसे पहले उसे कौन सा अवयव होना होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होना पहले जरूरी है। जब तक वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा तब तक वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो देखो मैंने अभी जो सीक्वेंस बनाया है, पहले आपको मिला स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से बना डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स से क्या बना? स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स से बना डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स से फिर क्या बना बेटा? स्केलर मैट्रिक्स। यानी डायगोनल को स्क्वायर होना जरूरी है, स्केलर को डायगोनल होना जरूरी है, और साथ में क्या होना जरूरी है? स्क्वायर होना भी जरूरी है। तो चलो अब हम लोग मैट्रिक्स के अगले टाइप पे जाएंगे, और मैट्रिक्स का जो अगला टाइप है उस पे हम लोग आए। और थोड़ा सा ध्यान रखिए, पेन पेपर हमेशा रेडी रखिए, क्योंकि कब सोनू सर कौन सी बड़ी बात बोल दे आपके समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए हमेशा जो भी पॉइंट लगे उसको तुरंत नोट डाउन कीजिए। चलिए हमारा 7वां मैट्रिक्स है। अब थोड़ा सा बेटा बताओ इसको ये कौन सा मैट्रिक्स है? 100001001, ये बेटा बताओ कौन सा मैट्रिक्स है? 1001। ठीक है बेटा, इसका नाम मैंने फिलहाल कुछ दे दिया दूसरा, क्योंकि हमको नाम इसका पता नहीं था, आगे चल के इसका स्पेशल नाम देंगे, क्योंकि आप भी उस नाम को समझ जाइएगा और तब सब लोग मिलके एक नाम दे देंगे। चलिए सर ये आपका क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स भी है सर जी, साथ में सर ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी है सर जी, ये आपका सर जी स्केलर मैट्रिक्स भी है ना बेटा, तीनों है।
स्क्वायर भी है, 3x3 डायगनल भी है, डायगनल एलिमेंट को छोड़ के सब जीरो भी है, साथ में सर स्केलर मैट्रिक्स भी है, सब एलिमेंट कितना है सेम है। लेकिन आप तीनों मैट्रिक्स को गौर से देखोगे, जब मैं डायगनल वाला बताया था उसके एलिमेंट 5-5-5 भी हुए थे, उसके एलिमेंट 3-3-3 भी हुए थे, लेकिन इस केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है बेटा कि तीनों के तीनों एलिमेंट एक हैं, यूनिट है, इकाई है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी होगा जब ए आई जे का मान हमेशा एक होगा। डायगनल में वो मान क्या थी, स्केलर में वो मान के था, यहाँ पे एक होगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई इज इक्वल्स टू जे। और साथ में एक और कंडीशन होगा, ए आई जे इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। और ऐसे मैट्रिक्स को बेटा तो क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। किसे बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब इसके आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी डायगनल एलिमेंट सेम है, तो डायगनल एलिमेंट का वैल्यू 1 होना चाहिए और जो नॉन डायगनल एलिमेंट है उसका मान हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका नाम मैं यहां बदलने वाला हूं, इसका नाम बदलने वाला हूं क्योंकि इसके लिए स्पेशल सिंबल है कैपिटल आई। इसको हम लोग जब भी डिनोट करेंगे बेटा तो कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। और अगर हमारे पास एन क्रॉस एन ऑर्डर का है तो इसको एन क्रॉस एन भी दिखा सकते हैं या सिंपली हम लोग आई एन भी दिखाते हैं। आई एन क्रॉस एन का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। और अगर सिर्फ आई एन भी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है बेटा, ये आपका एन क्रॉस एन ऑर्डर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप क्या दिखाओगे, आई थ्री, अगर किसी का मन है तो ये दिखा सकता है आई थ्री क्रॉस थ्री, इसको दिखाएगा तो कोई दिखाएगा आई टू, या दिखाएगा तो ऑर्डर ऑफ 3x3। आई फोर का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4x4। तो मैंने आपको बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आप मेरे सारे वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय कीजिए।